Hello and welcome back to my channel. और आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी। बहुत ही जल्दी बन जाती है और साथ ही साथ टेस्टी भी होती है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर भी ले जा सकते हैं साथ में, क्योंकि इसमें पानी ऐड नहीं होता है तो ये ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती है और टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे मैंने ये आधा किलो टमाटर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लाल लाल और फ्रेश है, तो इस तरह के ही हम फ्रेश टमाटर लेंगे। तो टमाटरों को अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से मैंने कट कर लिया है। बिल्कुल बारीक पीसेस ना करें इसके, बस इस तरह से हम हाफ ऑफ पीसेस इसके कट करके इसे रेडी रख लेंगे। अब यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल मैंने गरम कर लिया है, उसमें मैं डालूँगी आधी छोटा चम्मच राई और आधा छोटा चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें। इसे थोड़ा सा लाल हो और गैस का फ्लेम अब हम लो टू मीडियम रखेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ करी लीव्स, 3 से 4 लहसुन और 3 से 4 ही आप लाल सूखी मिर्च इसमें डालें। और अब इन सारे चीज़ों को हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाए और जो ये बघार हमने डाला है ये थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाए। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर जिसे हमने कट करके रख लिया, तो सारे टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है क्योंकि टमाटर के पानी में ही ये अपने आप कुक हो जाएंगे। मिक्स करने के बाद इसमें अब मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है टमाटर की चटनी में, इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और इसके बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके 5 से 10 मिनट तक कुक होने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था लेकिन इसमें अभी भी टमाटर का पानी है, तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और स्पून से थोड़ा सा हम टमाटरों को इस तरह से मैश कर देंगे और इसे हम 7 से 8 मिनट तक कुक होने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे ताकि ये टमाटर की जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे क्योंकि टमाटर की चटनी रेडी हो चुकी है। इसे अब हम सर्व कर लेंगे। तो टमाटर की चटनी बनके पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसे आप रोटी के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। हमारे हैदराबाद में इसे बॉइल्ड एग के साथ सर्व करते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें उबले हुए अंडे रखूँगी। आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो टमाटर की चटनी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन कि ये आपको कैसी लगी। और जाने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।